आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई दिल्ली के अंदर भैया, इसमें दो दलित लड़कियों के साथ दिल्ली पुलिस के अत्याचार का मामला सामने आया है। और इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के मंगोलपुर से विधायक राखी बिलान जी सक्रिय रही। इस पूरे मामले में अपनी सक्रियता से उन्होंने इंश्योर किया कि जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय मिल सके। और इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी की क्या मांगे हैं प्रकरण के साथ, इस पर प्रकाश डालने के लिए राखी जी और अलका जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे अपनी बात। कल शाम को लगभग 6 बजे के आसपास मेरे पास एक फ़ोन आया कि जो रोहिणी सेक्टर 3 का थाना है, वहाँ पर दो लड़कियों के साथ बहुत वहशीपन, बहुत हैवानियत के साथ उनका जो है मारपीट हुई, उनका फिज़िकल शोषण हुआ, बहुत उन्हें टॉर्चर करा गया। और जब हम मौके पर पहुँचे तो वहाँ जाके लड़कियों से जब मैंने बात की तो पता चला कि सुबह 9:30 बजे कुछ पुलिस के लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, कुछ पुलिस कांस्टेबल्स भी शामिल थे, उन लोगों को लड़की को अपने साथ लेके गए थाने में। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक लड़की को वहाँ रखा, दोनों लड़कियों को, और बहुत ही बेरहमी के साथ दोनों लड़कियों को पीटा गया। अलग अलग कमरे में दोनों लड़कियों को करके मारा। पहले महिला कांस्टेबल्स ने पिटाई करी, फिर पुरुष कांस्टेबल्स ने उनके साथ मारा। एक लड़की के साथ जो है इतना मतलब हैवानगी कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी कि एक लड़की को निवस्त्र करके उसको मारा। उसको तरह तरह के मतलब जितना भी हो सकता है कहें कि आपत्तिजनक शब्द कह लीजिए या गाली गलौज कह लीजिए, वो तमाम हदें उन्होंने उनके साथ पार करी। मेरे मीडिया के सभी बंधुओं से अनुरोध है कि बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि ये दो क्लास से रिलेट करता है, एक तो जो महिलाएं हैं उससे और खास करके ये दलित महिलाएं हैं, तो किसी भी प्रकार से इनका नाम या उनकी फैमिली की आइडेंटिटी जो है उजागर ना हो। परिवार के लोग भी यहाँ उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो अलग से उनसे भी बात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में रात के 1 बजे तक रुके, उनकी MLC कराई, तमाम जो भी उनकी गायनिक जो है उनकी इंक्वायरी कराई सारी की सारी। और रात को 12:30 बजे रोहिणी सेक्टर 3 के थाने में एडिशनल DCP श्वेता चौहान के साथ, ACP अशोक विहार और अपने इलाके के 2 SHO के साथ बैठकर जो आरोपी हैं पुलिस के लोग, उन 4 लोगों को फौरी तौर पर सस्पेंड कराया गया। उन लोगों का सस्पेंशन का ये लेटर भी है जो उनका DO नंबर और सारी चीज़ें हैं। ये सारी की सारी कार्रवाई अभी चल रही है। और इसके अलावा केस भी दर्ज कर लिया गया है, आरोपी जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहें तो उनके आपको जो है धाराएं बता सकते हैं कि किस किस धारा के तहत उन लोगों पे केस दर्ज किया गया है। बस मेरी तो यही डिमांड है कि इसके लिए हम पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे, LG साहब से मिलेंगे, मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे। पुलिस पे चूँकि कोई भरोसा नहीं रहा, जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो उनसे हम सही फैसले और न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि वो इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच कराएं और लड़कियों को जो है पूर्ण न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि एक उदाहरण पेश किया जा सके कि अगर दिल्ली की लड़कियों की तरफ, दलित लड़कियों की तरफ कोई आँख उठा के देखता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। धन्यवाद। देखिए, राखी बिलान जी हमारी विधायक और इनके क्षेत्र में ही रात को इनके सामने ये केस आया। परिवार ने राखी जी को संपर्क किया और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार थाने के अंदर, दोनों जो लड़कियां हैं उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, अमानवीय व्यवहार हुआ जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, हम चाहेंगे उनकी पहचान को, आप बिल्कुल आप सभी से निवेदन है उनकी पहचान को गुप्त रखते हुए। परिवार हमारे सामने है लेकिन हम इनके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर नहीं आए, लेकिन हमने उनसे वायदा किया है कि हम इस लड़ाई को हर स्तर पर जाकर लड़ेंगे। हम कल ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और LG तीनों से समय ले रहे हैं ताकि जो दोषी
पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने एक तो सबसे पहले कि महिलाओं को 6 बजे के बाद आप थाने में बुलाकर किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं कर सकते, वो नियम को तोड़ा गया, उनकी पूछताछ छीन ली गई, उनसे अमानवीय व्यवहार किया गया। जिस तरह से राखी जी ने बताया, उनके परिवार से बात हुई और उन लड़कियों ने अपनी बात में बताया राखी जी को कि उनके कपड़े उतार कर उन्हें पीटा गया, उनके शरीर पे मारपीट के निशान भी आप देखे जा सकते हैं। और विधायक की सक्रियता देखते हुए उसका MLC हुआ और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ खुद राखी जी ने पहल करते हुए FIR दर्ज करवाई है। हम इस केस को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे तब तक जब तक उन पीड़ित लड़कियों और परिवार को जो है वो न्याय नहीं मिल जाता। अभी एक पत्रकार साथी पूछ रहे हैं उनके ऊपर केस क्या था, मैं आपसे फिर कहूँगी केस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साबित करने के 2 तरीके, या तो आप सबूत के साथ उन्हें अरेस्ट करिए और कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन जब सबूत नहीं है तो जबरदस्ती आप किसी को दोषी ठहराने के लिए इस तरीके से अमानवीय तरीके से खासतौर से महिलाओं की दलित महिलाओं के साथ, जिसको हम सबसे कमजोर तबका अपने समाज का मानते हैं, जिनको हम समय समय पर हिम्मत और ताकत देने की बात करते हैं, उनके हक और अधिकारों के कानून का सहारा लेते हुए आम आदमी पार्टी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि इस तरह की घटना को अमानवीय घटना की निंदा करते हुए इसको सबके सामने लाते हुए कि हम इस लड़ाई को, न्याय की लड़ाई को, दोनों लड़कियों की इसकी कॉपी आपको क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है, लड़कियों की इज्जत से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने खुद ही FIR की कॉपी लेना मुनासिब नहीं समझा। मैं धाराएं बता देती हूँ, IPC की धारा 330, 323, 509, 506, 342, 34 और सेक्शन 311 SC ST एक्ट लगाया मॉलिस्ट्रेशन का, ये सारी की सारी धाराएं लगाई गई हैं। और फिर हमारी डिमांड है कि इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। FIR इसलिए हम सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 बेटियों की इज्जत का, उनके मान सम्मान का मामला है। राखी, दोनों लड़कियों को किस आरोप में बुलाया गया था, क्या आइडिया है आपको? हाँ बिल्कुल आइडिया है, मेरी बात भी हुई है। एक्चुअली 15 दिसंबर 2014 को जहाँ ये लड़कियाँ काम करती हैं उस ऑफिस में एक चोरी हुई थी। उस चोरी के मामले में चूँकि ये लड़कियाँ वहाँ पर काम करती है तो इनसे जो है पूछताछ की जाए थी, जो कि जायज़ भी है। पूछताछ के दौरान बहुत बार इन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया। दिसंबर 15 से लेके कल तक 3 या 4 महीने का समय हो चुका है, तो इस दौरान एक लड़की की शादी को भी 1 महीना हो चुका है। स्पेशली उस लड़की को ससुराल से बुलाया ये कहकर कि हम आपसे सिर्फ पूछताछ करेंगे और आपको छोड़ देंगे, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक इनसे पूछताछ के बहाने अनबीए का हरकतें करी गई। मैं तो कहूँगी कि अटेम्प्ट टू रेप की भी कोशिश करी गई, क्योंकि किसी भी पुरुष का जो है इस तरह से किसी भी लड़की का कपड़े उतारना, ये एक तरह से इसी और इशारा करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के जितनी भी गाइडलाइंस है कि एक महिला के साथ किस प्रकार से पूछताछ करनी चाहिए, किस प्रकार से पुलिस को व्यवहार करना चाहिए, उनको तोड़ा गया है एक पुलिस स्टेशन में। सरेआम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है तार तार किया गया है। बस हमारी यही डिमांड है कि इसमें कड़ी से कड़ी लोगों को सज़ा मिले और लड़कियों को न्याय मिले। नहीं, इसमें सराहना की क्या बात है, वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन के अंदर ACP भी बैठते हैं, SHO भी बैठते हैं और सारे बड़े अधिकारी बैठते हैं। उनकी नाक के नीचे सुबह 9 बजे से लेकर रात के शाम के 7 बजे तक ये सारी घटना हुई। इसमें आप कहते हैं कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, अप्रिशिएशन तब होगा जब एकदम उन्हें फौरी तौर पर टर्मिनेट किया जाएगा और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये कोई अप्रिशिएशन की बात नहीं है, ये तो अपने आप को ढकने की बात है कि जुबान बंद करने के लिए 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। आपकी मांग ये है कि जो ऊपर के अधिकारी हैं उन्हें भी सर, देखिए मेरी कल से ये डिमांड है पार्टी लेवल की, या हमारे जो सीनियर लोगों की डिमांड है वो तो अभी आपके सामने अलका जी ने रखी ही। जो मेरी कल से डिमांड है एक, क्योंकि मैं भी दलित लड़की हूँ, मैं भी दलित परिवार से संबंध रखती हूँ, मेरी जो डिमांड है कि पूरा का पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए, जो आरोपी लोग हैं उनका टर्मिनेशन होना चाहिए और उन लड़कियों को जो है मानहानि का दावा करने के साथ साथ उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, मेरी ये डिमांड है। धन्यवाद सर। ये तो मुझे नहीं पता कि और अगर सर कोई मर्डर भी कर दे तो भी इतनी हैवानियत नहीं होनी चाहिए। हैवानियत क्या होती है? अदालत के बाहर
पुलिस कॉन्स्टेबल्स महिलाओं की मॉडेस्टी को आउटरेज करें और हम उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करें, थोड़ा सा अमानवीय होने का अधिकार किसे है? हम तो उस केस की मेरिट पे भी जाने की बात नहीं करें, मानवीय धरातल पर ही अगर सोचे तो ऐसा अधिकार पुलिस को किसने दिया कि सुबह से लेके अंधेरा होने तक सुप्रीम कोर्ट की सारी गाइडलाइंस को स्टॉप करके संविधान के ऊपर बैठकर आप महिलाओं की मॉडेस्टी को आउटरेज करें और उसके पीछे हम तक होने की कोशिश करें हम दुर्भाग्यपूर्ण। आप ये सारे सवाल आप पुलिस से पूछे उनकी इन्वेस्टिगेशन की मेरिट पे, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम केवल उनकी जो कार्रवाई है उसकी मेरिट की बात कर रहे हैं। केस सही है गलत है ये सारी चीजें उनकी इन्वेस्टिगेशन में बाद में सामने आएगी। क्या दिल्ली पुलिस को ये शोभा देता है कि वो दो महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करे? क्या आधार है क्या आधार नहीं है वो बात की बात, अभी व्यवहार की बात हो रही है। जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो फिर दिल्ली की महिलाओं को कौन सुरक्षा देगा, कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा, कौन अकाउंटेबिलिटी तय करेगा?